गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरः गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मेरे सद्गुरुदेव श्री बाबा जी सद्गुरुदेव श्री तारामणि जी आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सभी भाइयों को जय श्री काल भैरव। मेरा नाम दिनेश चौहान है, आध्यात्मिक नाम दिनेश तारामणि जी है और मैं जोधपुर राजस्थान से हूँ। और सांसारिक जीवन में मेरा अब जॉब जो है वो है, मैं सॉफ्टवेयर कंपनी में वर्क करता हूँ जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पूरे भारत में डील करता है, इनकम टैक्स और जीएसटी डिपार्टमेंट्स में। और ये मेरा सांसारिक जीवन है। और आध्यात्मिक जीवन में जब हम मैं आप बात कर रहा हूँ तो आध्यात्मिक जीवन में बता रहा हूँ कि बचपन पे पूजा पाठ धूप ध्यान ये सब के घर में होता है, मेरे घर में भी होता था और करते थे। इसी को देख के एक भीतर प्यास थी कि ये सब, और देखते थे ये सब कुछ होता कैसे है, जो चमत्कार देखे जाते हैं या कैसे क्या होता है, इसको जिज्ञासा थी। देखते देखते ढूंढता था मैं, काफ़ी प्यास भी थी, ढूंढता था। ऐसे ही समय बीतता गया और प्यास बढ़ती गई। सो आज के पहले तो युगों में क्या ऋषिकुल हुआ करते थे, जहाँ पर आपको ऋषिकुल में बचपन में ही भेज दिया जाता था, वहाँ पर अपनी शिक्षा दीक्षा अर्पण करते थे। लेकिन अभी कालांतर में ऐसा नहीं है, तो आजकल सोशल साइट है, तो सोशल साइट के माध्यम से ही मुझे मेरे सद्गुरुदेव जी के द्वारा एक शिविर का आयोजन का मुझे पता चला। मैंने वहाँ पर संपर्क किया अपने गुरुदेव जी से, तो जैसे ही प्रथम बार मैंने उनकी वाणी सुनी तो लगा मुझे भीतर से कि जहाँ मुझे जाना है वो यही है। और उनका इतना सौम्य भाव जो था मुझे बुलाने का और प्रेमवश जो बुलाया उन्होंने, तो मैं फिर अपने आप को रोक ही नहीं पाया। तुरंत मैं अपने उज्जैन शिविर था, उज्जैन शिविर में मैंने अपना रजिस्ट्रेशन करवाया। रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद में पहुंचा। वैसे ऐसे हमने अभी तक का अनुभव है कि यहाँ तक पहुंचने में बहुत आपको विघ्न आते हैं, क्योंकि सत्य की तरफ आप बढ़ेंगे तो नहीं कुछ ना कुछ आपको विघ्न आते ही है। लेकिन उसी समय आपको देखना होता है कि आप अगर सही जा रहे हैं तो वहाँ रुकना नहीं है, वहाँ पर आपको आगे बढ़ना ही बढ़ना है। फिर मैं भी ऐसे ठोकरे खाते खाते पहुँच गया एक बार सीधा शिविर में। वहाँ पर गुरुदेव जी ने, सभी गुरु परिवार ने बहुत अच्छे से स्वागत किया। स्वागत का मतलब बड़े प्रेम से मुझे आदर भाव से रखा। वहाँ पर आध्यात्मिक जीवन क्या है, आगे क्या करना चाहिए, सबका मुझे गुरुदेव जी के द्वारा बताया गया, मार्गदर्शन किया गया, दीक्षा क्या होती है दीक्षा का बताया गया। और फिर वहाँ पर उज्जैन शिविर में मेरा मंत्र दीक्षा हुई बाबा बटुक भैरव जी नाथ जी की, और वहाँ से मेरी आध्यात्मिक जीवन शुरू हुआ। ऐसे ही फिर जाप करना शुरू किया उस शिविर के पश्चात। उसके बाद में हम कहीं शमशानों में भी गए, मणिकर्णिका घाट पे भी मेरा हुआ जाप, और भी बहुत शमशानों में गए हम अपने हवन जाप करने के लिए। उसके पश्चात हमारा शिविर एक सूरत में हुआ सद्गुरुदेव जी के मार्गदर्शन में। वहाँ पर जो अनुभव हुए वो मेरे जीवन के अब तक के सबसे अद्भुत अनुभव है और अविस्मरणीय है, जिसको मैं मतलब भुलाना चाहता हूँ। कहते हैं कि भूल जाना चाहिए, लेकिन कभी कभी ऐसी बात, अब जैसे आज आपको बताना है तो तुरंत वो सारी बात फ्लैश में याद आ रही है। ऐसे ही शिविर में सब बैठे थे भाई, और बाबा जी के साथ सानिध्य में हम सब बैठे थे। बाबा जी ने तुरंत ऐसे ही कुछ क्रिया करी और देखते ही देखते मैं, मुझे लगा कि मैं अपने शरीर में नहीं हूँ। वहाँ पर मुझे ऐसे प्रतीत हुआ, सामने जब दीक्षा के लिए जो मदिरा आई हुई थी, तुरंत मैं अपने आक्रोश रूप में आया कृपा से और दो तीन बोतलें पी गया और पी गया। लेकिन मुझे ऐसा महसूस हो रहा था वहाँ पर मैं हूँ नहीं, कुछ और अद्भुत शक्तियाँ है जो ऐसे करवा रही है। उसके बाद में बाबा जी के माध्यम मार्गदर्शन में मुझे बहुत सारे ध्यान के प्रयोग करवाए गए सूरत शिविर में। उसके पश्चात अभी काफ़ी सालों से हमारे शिविर अलग अलग उत्तराखंड में, साउथ इंडिया में, जोधपुर में, गुजरात में, पूरे भारतवर्ष में हो रहे थे। पूरे साधक साधिकाओं के लिए जाते हैं, सभी गुरु परिवारों से मिलना होता है। अब हमारा हिंडौरा, ये अपने उत्तर प्रदेश के लखनऊ से मात्र 40-50 किलोमीटर दूरी पर है सीतापुर, और उसके बीच में हिंडौरा,
वहाँ पर हमारे आश्रम का निर्माण हो गया है, जो विश्व का एकमात्र भैरव सिद्धि साधना और ध्यान केंद्र पर आधारित है, जो विश्व में इस तरह का कोई आश्रम अभी विद्यमान नहीं है, जहाँ पर आपको भैरव जी की साधना ही करवाई जाती है और साथ में उसके ध्यान भी करवाया जाता है। और यहाँ पर पूरे भारत से, पूरे विश्व से जो भटक रहे साधक है, साधिकाएँ हैं, जो जिनका मार्गदर्शन नहीं मिल पा रहा कि भाई आगे, अब सबके भीतर प्यास तो है कि भाई मुझे ध्यान करना है, साधना करनी है, या क्या करना है मुझे, तो यहाँ पर आ रहे हैं और अपनी साधनाएं करने। आज भी अगर देखा जाए तो यहाँ पर सैकड़ों साधक साधिकाएं अपनी गुप्त रूप में साधनाएं करे जा रहे हैं और अद्भुत आनंद है प्रभु। यहाँ पर अगर मैं जितना बताऊँगा उतना आपको शब्द ऐसा लगेगा, एक बार आप यहाँ पर आइए, अपने स्वयं के अनुभव कीजिए और फिर ज्ञात कीजिए कि क्या आपको अनुभव होता है। और श्री काल भैरव आश्रम बोले तो एक पूरा क्या कहते हैं उसको, अद्भुत जगह है प्रभु। यहाँ पर मैं शब्द कुछ भी दूँ, आप बस बाबा जी के चरणों में आकर एक बार यहाँ पर आप आ जाइए, आपके जितने भी मार्ग इस जन्म के या पूर्व जन्म के जितने भी बाधाएं हैं, जितने भी आपके जो ध्यान के मार्ग है, साधना के मार्ग जो रुके हुए हैं, वो सारा स्वतः ही खुलते जाएंगे। और आध्यात्मिक उन्नति तो है ही है, सांसारिक उन्नति ही सांसारिक। अब जब पहली बार जब मैं यहाँ पर आया था और जब मैंने मदिरा वाला बताया आपको कि जब मैंने दो तीन बोतलें जो पी और उसके वीडियो जब सोशल साइट पे देखे, तो जो जितने मेरे रिलेटिव है या जो चाहने वाले हैं वही पहले भड़काते हैं अपने को, क्या घर वालों को कहते हैं कि ये यहाँ मत, ये गलत जगह गया, वैसा गया। लेकिन आज वही समय परिवर्तन हुआ, दो तीन साल हो गए उस बात को, और आज वही जो मेरी आलोचना करते थे उस समय कि ये तो तांत्रिकों में बाबाओं में फंस गया है, आज वही मुझे कहते हैं कि भाई मेरा भी काम करवा दे यार, ये मेरा भी ये काम है, अपने बाबा जी से अपने गुरु जी से ये कह के मेरा करवा दो। तो समय परिवर्तन होता है और आप अगर भटकना नहीं चाह रहे, वास्तविक आपको अगर भीतर प्यास है कि उस परम की है, तो एक बार अवश्य यहाँ आइए और अपनी साधनाओं को आगे बढ़ाइए, ध्यान को आगे बढ़ाइए। और यहाँ का जो वातावरण है, आप सुबह अगर देखेंगे तो सुबह सुबह जो महसूस होता है, प्राकृतिक वातावरण, शुद्ध वातावरण, कोई पॉल्यूशन नहीं है, मोबाइल का यहाँ पर दूर दूर तक मोबाइल वगैरह सारे आपके रखे जाते हैं, सुबह पक्षियों की गायों की आवाज़ें जो रहती है, अद्भुत वातावरण है प्रभु। यहाँ पर अवश्य आइए, अवश्य अपनी साधनाओं को आगे बढ़ाइए। और जिसके लिए आपका जन्म हुआ है उसको आप पूर्ण कीजिए। और हमारे गुरुदेव जी का अब क्या बखान करूँ, गुरुदेव का तो बखान क्या कहते हैं उसको, ना तो आज तक किसी ने कर पाया गुरु शब्द का जो बखान, और ना मेरा इतना सामर्थ्य है कि मैं अपने गुरुदेव जी का बखान कर पाऊँ। लेकिन आप अगर कपालिक में जाना चाहते हैं, कपालिक साधनाएं कीजिए, आप ओगड़ की साधनाएं करना चाहते हैं, आप नाथ संप्रदाय में साधना करना चाहते हैं, आप कौलिक करना चाहते हैं, आप वैदिक करना चाहते हैं, आप किसी भी तरह की साधना करना चाहिए, हमारे गुरुदेव जी हर तरह की साधना मार्गों से होकर निकले हैं, अपनी यात्रा पूर्ण की है। तो अगर आप अभी भी जीवन में किसी एनलाइटन गुरु की तलाश में है, या आपके क्या होता है एनलाइटन गुरु, तो एक बार आइए यहाँ पर। और आप जब पहुँचेंगे तो आपको मुझे मेरे ये जो बोलने को कुछ कहने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आप स्वयं ज्ञात कर लेंगे। जब बाबा जी के श्री चरणों में अपना सर झुका देंगे भाव से, तो आपके आंसू स्वतः ही निकल जाएंगे। अब मैं तो क्या कहूँ, मैं तो जब भी बाबा जी से अपने मिलता हूँ स्वतः ही आंसू गिर जाते हैं, और अभी भी आपको बताने के हिसाब से रोके हुए हूँ, लेकिन गुरु शब्द ही ऐसा है कि आंसू रुक नहीं पाते हैं। और अवश्य आइए, सभी साधक साधिकाओं से विनती है, अपन आप खुद स्वयं आके यहाँ पर अपनी साधनाओं को पूर्ण कीजिए, और पूरा परिवार यहाँ पर, गुरु परिवार बहुत आपको सपोर्टिव है, बहुत अच्छा वातावरण है यहाँ पर, हर तरह की साधनाएं हैं, हर तरह की ध्यान है आपको करवाए जाते हैं, अवश्य आइए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मुझे सुनने के लिए, सभी का जय श्री काल भैरव, मेरे गुरुदेव जी का बहुत बहुत धन्यवाद जो मुझे इस लायक बनाए यहाँ पर बैठने के लिए, सभी का धन्यवाद। जय जय श्री काल भैरव, जय श्री काल भैरव।